नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें। यूपी में भारी बारिश, 19 की मौत, रेल ट्रैक पर पानी भरा। मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट ने एडिटर्स गिल्ड की टीम की गिरफ्तारी से राहत बढ़ाई। अदानी ग्रुप पर DRI की चेतावनी पर सेबी चुप रहा, याची ने कहा। मोरक्को में भूकंप, मृतक संख्या 2681, बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही। महाराष्ट्र में जहां कभी दंगा नहीं हुआ, वहां भड़की आग। सोशल मीडिया पोस्ट पर सतारा में भड़का दंगा, दुकानों घरों में आगजनी, एक की मौत। आंध्र में नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ बंद, सभी 21 TDP विधायक नज़रबंद। कनाडा में हर तीसरा भारतीय छात्र अवसाद में, 6 साल में मौतें 5 गुना। सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में हनुमान बुरी आत्माओं से बचाते हैं। PM मोदी और सऊदी प्रिंस सलमान की बैठक, 4 लाख करोड़ की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी का काम तेज होगा। उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी निकली, सप्तदान सहित 10 स्वरूपों में महाकाल ने दिए दर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने G20 समिट के दौरान भारत में मानव अधिकार, सिविल सोसाइटी और प्रेस की आज़ादी के बारे में चर्चा की। एशिया कप में भारत की पाक पर वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत। पुर्तगाल की सड़कों पर बही रेड वाइन की नदियां। प्रियंका गांधी 5 अक्टूबर को धार आएगी, मोहनखेड़ा में जनसभा को करेगी संबोधित। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।